गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप और मैं मिलकर एक एक्टिविटी करने वाले हैं और ये एक्टिविटी मैंने आपके लिए जो हमारी निष्ठा ट्रेनिंग हुई थी उसके सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के डिजाइन की है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी नोटबुक्स निकालिए सबसे पहले और उसके अंदर ये तीन कॉलम्स बनाइए। सबसे पहले कॉलम में स्पष्ट शब्द को लिखिए, सेकेंड कॉलम में नहीं शब्द को और थर्ड कॉलम में धुंधले शब्द को लिखिए। अब मैं आपके साथ कई सारी चीजें दिखाने वाली हूँ जिसको हम कैटेगराइज करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे जिनकी इन तीनों कॉलम्स की। तो आइए शुरू करते हैं। बताइए बच्चों, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ? मुझे तो आप बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे और आपके बीच में क्या है? जस्ट वेव योर हैंड, हाथ हिलाकर महसूस कीजिए। बिल्कुल सही, हवा। मेरे और आपके बीच में वायु है और क्योंकि वायु के आर पार कैसा दिख रहा है? बिल्कुल साफ, इसलिए हम वायु को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, यानी कि स्पष्ट वाले कॉलम में। अब एक मैजिक, जो सेकंड चीज है वो देखिए कैसी दिख रही हूं मैं आपको। जैसी दिख रही हूं उसके अकॉर्डिंग कॉलम में लिखिए। अगर स्पष्ट दिख रही हूं तो स्पष्ट वाले कॉलम में लिखिए, और अगर नहीं दिख रही थी तो नहीं वाले में, और धुंधली दिख रही थी तो धुंधली वाले में। तो सेकंड चीज जो आपने देखी है वो है धुआं। क्या अब मैं आपको दिखाई दे रही हूं? मेरे हाथ में स्टील की थाली है। अगर मैं दिख रही हूं या नहीं दिख रही उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलम में लिखिए। मेरे हाथ में एक पॉलिथीन बैग है। क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूं? कैसी दिखाई दे रही हूं उसके अकॉर्डिंग आप पॉलिथीन बैग को उस कॉलम में लिखिए। अब मेरे हाथ में है कांच का ढक्कन। कैसी दिखाई दे रही हूं मैं? लिखिए अकॉर्डिंगली अपने कॉलम में। कांच का ढक्कन मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। अब मेरे हाथ में है गत्ता। क्या मैं आपको दिख रही हूं? कैसी दिख रही हूं? स्पष्ट नहीं या धुंधली? उसके अकॉर्डिंग आप गत्ते को लिखिए, गत्ता। मेरे हाथ में कॉपी है। आप भी कॉपी में ही काम कर रहे हैं। अगर मैं कॉपी को अपने चेहरे के आगे रखती हूं तो क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूं? जैसी भी दिख रही हूं आप उसके अकॉर्डिंग कॉपी को उस कॉलम में लिखिए, स्पष्ट नहीं या धुंधली। नेक्स्ट, मैंने एक दुपट्टा लिया है और इस दुपट्टे को मैं अपने आगे कर रही हूं। मैं कैसी दिखाई दे रही हूं उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉलम में लिखिए। यहां पर आपके सामने एक पानी का बर्तन है और उसके अंदर एक सिक्का रखा हुआ है। क्या आप उस सिक्के को देख पा रहे हैं? कैसा देख पा रहे हैं? जैसा भी आपको दिख रहा है उस हिसाब से आप पानी को लिखिए। मेरे पास ये लकड़ी का, कैसी दिख रही हूं? स्पष्ट नहीं या धुंधला? उसके अकॉर्डिंग अपने कॉलम में लिखिए। चलिए अब मैच करते हैं। हमने लिखा कुछ वस्तुएं के आर पार हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे, जैसे कि वायु, कांच और जल। कुछ वस्तुओं के आर पार हम बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे, जैसे स्टील की थाली, गत्ता, कॉपी और लकड़ी। कुछ वस्तुओं के आर पार हमें दिखा लेकिन सुस्पष्ट रूप से नहीं, धुंधला दिखाई दिया, जैसे कि धुआं, पॉलिथीन और दुपट्टा। तो उन वस्तुओं को जिनके आर पार हम पूरी तरह से स्पष्ट रूप से देख पाते हैं उनको हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पारदर्शी वस्तुएं। जिन वस्तुओं के आर पार हम बिल्कुल नहीं देख पाते उनको हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, और जिन वस्तुओं के आर पार हम देख तो पाते हैं लेकिन बिल्कुल साफ नहीं, यानी कि धुंधला, तो उन वस्तुओं को हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तो हमने अपने आसपास की चीजों को तीन भागों में बांट दिया, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो बच्चों, आज आपका यही होमवर्क है। अपने घर के अंदर आपने 10 चीजों का चुनाव करना है और उन 10 चीजों को क्लासिफाई करना है, उनकी सॉर्टिंग करनी है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। थैंक यू। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।